अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो अल हादी गोट फार्म पे। हम लोग, हमारे साथ में साजिद भाई है, वसीम भाई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो पलाई के कुछ बकरे देखेंगे और एक फार्म टूर भी देंगे इंशाल्लाह। तो वसीम भाई का बकरा है? हाँ वसीम भाई। जी हाँ, मेरा ही बकरा है। माशाल्लाह, कब रखा है बकरा यहाँ पलाई का? ईद के मतलब बकरी से पहले लेकर। बाकी ये बकरा बहुत अच्छा है, एक खर्चे में दो बकरे मिल गए आपको। यहाँ से देखो अलग बकरा, वहां से देखो अलग बकरा। यहाँ से तो कोई सोजत भी बोल देगा। अब घुमाओ, ये देखो जादू, गुजरी बकरा निकला। बाकी बहुत कम देखा साजिद भाई ऐसे कलर के बकरे। हाँ कम आते भाई। वसीम भाई क्या डिटेल पे दिए थे बकरा? ये बकरा दिए थे मैंने 2000 पे, तकरीबन इसका वजन 50 किलो के आसपास था। तो आज तो अच्छा 65-70 केजी दिख रहा है बकरा। गुलाबी गुजरी माशाल्लाह। तो आप भी क्योंकि ट्रेड करते हो, बेचेंगे आगे कि अभी रखोगे? आगे जाके फिर देखेंगे। आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अंदर माशाल्लाह से जो ट्रांसफॉर्मेशन इसका देखने मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई के यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ा है बकरे ने, और हाइट भी माशाल्लाह लिया है बकरे ने अच्छी। साजिद भाई, एक अलग अलग तरीका होता है लोगों का बकरे पालने का। सही बात है। आपकी क्या सोच रहती है बकरा आने के बाद? क्या तुरंत फुग्गे की तरफ फुला दो? नहीं नहीं भाई, क्या रहता है आपका? देखो कैसा मालूम, मेरी सोच है, खैर बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरी, मैं ये सोचता हूँ ना कि बकरा जो है नेचुरली, जो उसका उसकी बॉडी है, उसकी हाइट है, समझे ना, वो खुद नेचुरली ले। क्योंकि अब कैसा होता है ना, पब्लिक का ये नजरिया ऐसा हो गया कि 10 किलो का बच्चा ला के देंगे और फिर एक महीने के बाद आएंगे बोले भाई 15 किलो क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल नहीं है ना ये चीज। अब वो बच्चा है, बच्चा इंसानों में भी अगर आप देखोगे बच्चे को तो जीन्स का भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कोई बच्चा तंदुरुस्त रहता है बचपन से, कोई बच्चा पतला दुबला रहता है। लेकिन अब वो बच्चे के ऊपर, आप पतले दुबले बच्चे के ऊपर आप उसको ठूस ठूस के बोलेगे भाई इसके ऊपर वजन डाल दो, तो बहुत सारी जो बॉडी का फीचर थे ना वो रुक जाता है। जैसा हाइट नहीं लेगा बच्चा, अगर बचपन से ही बच्चा जो है वेट लिफ्टिंग चालू कर देगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है बॉडी को लेकर। तो मेरे यहाँ पे तो कैसा, मैं तो सोचता हूँ कि भाई जो उसकी नॉर्मल फीड है वो नॉर्मल फीड पे चलते रहे बकरा एक सर्टन एज तक। वहाँ पर जब बकरा जो है ना अपनी हाइट ले लिया, उसने 6 दांत तक 8 दांत तक जो हाइट लिया, उसके बाद में कैसा मालूम बकरा जो भी खाएगा ना, क्योंकि जैसा जैसा बकरा बढ़ेगा उसकी एपेटाइट, उसकी भूख भी बढ़ती रहती है, तो उससे फिर बाद में बकरा खाएगा ना 1 किलो दाना भी खाएगा ना तो बहुत अच्छा बनाएगा, वो वजन तो लेगा ही लेगा। तो एक सर्टन एज होती है बकरे की भी वेट लेने की, ये चीज है। अब ये बकरा मेरे पास आके नहीं बोल के भी 3 इंच हाइट लिया हुआ है और ऐसा फिट फिट रहेगा बकरा भाई। और कोई स्पेशल कोर्स करा रहे आपके आदमी लोग हैं एग्रेशन? नहीं भाई, वो बस एक नहीं है भाई, मोहब्बत है। कितने फार्मों पे जाता हूँ मैं, मोहब्बत है भाई। वो बकरे जानते ना, जान दो जान पहचान है क्या यार, रोज एक ही शक्ल देखते। उसमें बहुत लोग मांगेंगे बकरा, मैं तो खुद भी मांगा था, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, बोले नहीं देने का भाई, शौक करेंगे बोल रहे। हाँ, बोले आपसदारी में तो देने का ही नहीं है। जयपुर वालों को बराबर देंगे। हाँ जयपुर वालों को देंगे बराबर, जयपुर वाले पैसों पे क्या कुछ लगा के दे देगा, इधर भी इधर लगा के दे। मजा आ गया सही में, जहाँ जाएगा नाम करेगा वैसा। पंच वगैरह देखो बकरे का, बहुत अच्छी शक्ल का, चेहरे का बकरा है भाई। डाल दो इसको अंदर और आपको दोस्तों 2-3 बकरे और दिखाते हैं हम लोग इंशाल्लाह, और उनका भी रिजल्ट दिखाएंगे। ये सेकंड बकरा देख लो आप, ये कोटा में आएगा ना भाई? जी मक्की जी ना, ये भी और बहुत अच्छा फ्रेम का बकरा है, ये भी पलाई पे आया अपने पास। कभी आया भाई ये पलाई पे? इसको मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीना हो गया, 1 मंथ कंप्लीट हो जी, गया जी। क्या वजन पे आया था, क्या वजन पे है अभी? वजन पे बोले तो ये भी मेरे ख्याल से कुछ है ना 65 किलो पे आया था, 64-65 किलो पे, और ये अभी है 70 किलो पार ही है ये भी। पहले महीने में लोग अपना बताते कि हमारे बकरे 10 किलो बढ़ा दिया, 11 किलो जो होता है होता है, होता है ऐसा है कि वो तो पीछे से ही आता है ना। हाँ बराबर, तो लोग उसका फायदा उठाने को देखते हैं। हाँ लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर अगले महीने में कस्टमर बाम्बू करेगा 1 किलो भी नहीं बढ़ा। अभी ये क्या, अपना एक बहुत अपना भाई है उसके बकरे पूरे, ये एक बकरा संभाल रहे। रोज शाम में ये ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। लग ही रहा है ना अभी तो? नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रेनिंग नहीं।
फिट है माशाल्लाह, अल्लाह बरकरार रखे इनकी, मतलब इनकी पलाई की एक बात है कि फिट रखना है बकरों का। लाओ भाई इसको ले आओ अभी। अभी ये हंसा देखो यूनिक है एकदम माशाल्लाह, बफ वाले। हाँ इब्राहिम अपना भाई है उसके बकरे, फरी है एकदम माशाल्लाह, और अब भी कल ही आया है ये बकरा। तो ये आज दिखाने का मकसद ये संभाल, अगली बार एक दिन में ट्रेन कर दिए ना, वो इधर की जगह की तासीर ही ऐसी भाई। नहीं तो वसीम भाई बोल रहे थे सेठ जैसा रहेगा बकरे वैसे रहे। हाँ सही बात है, हो सकता है भाई, ये कल ही आया है। बाकी इसका बहुत यूनिक बकरा है माशाल्लाह, चेहरा बीरा देखो एकदम, वो मुर्गे आते ना जिनके ना चेहरे पे वो ये आता है पफ, वैसा बकरा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी नस्ल में। अभी आज देख लो आप ये बकरा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट टाइम बताएंगे ना इंशाल्लाह, एक बकरा बताएंगे अपन पलाई पे, जो अपनी लास्ट वीडियो में जिसको कवर किए थे अपन ने, खूंटे में बंधा हुआ था वो बकरा, खोल इसको के छोड़ो भाई इधर मारेगा ये शौकत, उसको बांध दे बेटा रुक जा, ये बहुत गंदा मारता है। एक दिन में? हाँ एक दिन में, लेवल पढ़ लेते ना इधर का तो उनको मालूम पड़ जाता है भाई क्या। सिक्के विक्के अच्छे हैं, बालों का अच्छा है। यही भाई का अपुन ने फर्स्ट ईयर जब वीडियो बनाए थे ना, तो अपुन ने एक जमुनापारी कवर किए थे अंदर, याद है अंदर बैठ के वजन किए थे। हाँ। वो बच्चा भी कितना 2 महीना 20 दिन पला था अपने पास। छोड़ो थोड़ा, माशाल्लाह बाल देखो, बाल देखो इसके। अभी ये सब चीज क्या है, मेंटेनेंस आती भाई। अभी इसको मैं अपन ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे तो बालों में गांठें बन जाएगी, गंदे हो जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा फिर बाद में। मजा आ गया अभी ये बकरा गर्दन बिर्दन थोड़ी मस्त बनाएगा ना, बहुत अच्छा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लाजवाब दिखेगा। चलेगा, जान दो इसको भी, और अभी एक बाजीगर बताएंगे, बाजीगर बताएंगे भाई, वाकई में बाजीगर है, देख के दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है बाजीगर, क्या बात है भाई, वाह दिल खुश हो गया। अच्छा माशाल्लाह, ये बकरा अपनी जो जनवरी 1 को अयुब चाचा थे जब आप आए थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए आमीन, तभी अपन ने ये बकरे को दिखाए थे खूंटे पे, बहुत अलग चीज है। तभी मेरे ख्याल से वही दिन पे ये बकरा आया था, वही सुबह में। क्या डिटेल है आज, क्या डिटेल? ये अभी 6 दांत किया हुआ है भाई इसने, सिर्फ 6 दांत। हाँ 6 दांत पे है बच्चा, ये 100 किलो पे है, एकदम आराम से खुद खा के आराम से। बाकी बकरे की लेंथ देखो आप, सिक्के देखो, कान पूरा कंप्लीट है माशाल्लाह, और अभी सिर्फ 6 दांत पे। हाँ क्या एक्सपेक्टेशन है खुद खा के इसके भाई? ये तो देखो बकरा है ना, अगर समझ रहे, मेंटेन भी कर लिया ना आपने को। हाँ। अगर आज की तारीख में अगर कल ही दे तो कौन नहीं खरीदेगा इसको। सीना देखो ये बकरा अपने भाई का ही है, कुर्बानी का है उसके। अभी हंसा जो बताए थे वो भी उसी का ही है, और जो मक्खी छीना बताया वो भी उसी का ही है। वाह, तो ये बकरा जो है इसने पलटी किया हुआ है, ये घर पे गए जाके फिर वापस आया है बकरा पलटी के लिए। हाँ थोड़ा वहां घुमाओ बकरा, यहाँ फेस करो धूप में, हट जाओ, एक ही जन पकड़ो। हाँ एक जन संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल। हाइट कितनी है इसकी? इसकी 40 इंच हाइट है। भराई वाले तो बहुत मांग रहे होंगे ये बकरा। हाँ क्यों नहीं मांगेंगे, इसको मैंने अभी एकदम अलग ही रख दिया हूँ, बोला बोले कोई भी आता है ना तो अभी अपने को अपन तो कोशिश करते, ये बोले अमानत है ये भाई। सही है, तो इसको अलग ही रख दिया हूँ, बहुत जन मांगते हैं, लेकिन ये कुर्बानी का अपना भाई है जो माशाल्लाह कुर्बानी करता है, सब बड़े जानवरों की कुर्बानी है। तो दोस्तों आप भी बकरे अपने पलाई पे रखा सकते हैं भाई, क्या 68 किलो पे आया था ये, 67-68 किलो, 100 किलो पे बकरा, 100 चलो किलो वजन तो छोड़ दो, लेकिन मैं जो चीज बोलता हूँ ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है फिट एंड फाइन। हाँ अभी इसको खोल के भी आप नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना खतरनाक बकरा है। इंशाल्लाह एक रील बनाएंगे इसकी, देखेंगे। एक रील बनाने की कोशिश कर लो, लेंथ वगैरह देखो बकरी, यही चीज मैं बोलता हूँ, इसके स्ट्रक्चर, इसके पीछे के बकरे के अंदर, हाँ हर चीज आना चाहिए। ये देखो पैर में गैप, हाँ है ना, बाजीगर नाम है इसका, बहुत उम्दा। पलाई के लिए कांटेक्ट कीजिए अलहादी गोट फार्म पे, इंशाल्लाह ऐसे ही बकरे तैयार होते हैं यहाँ पर।
फिट एंड फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एक से एक बकरे दिखाए, नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे, इंशाल्लाह इनका क्या रिपोर्ट है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।